नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना ही दाऊद अली खान के घर जाऊंगी, ना उससे मिल सकती हूँ। शिप्रा, शिप्रा प्लीज समझने की कोशिश करो बेटी। तुम्हारा उनसे मिलना और हमारा इस मामले को प्रेस के सामने कुछ उसलूबी से हल करना बहुत जरूरी है। वैसे भी दाऊद अली खान ने तुम्हें खुद इनवाइट किया है। बाबा, आप क्या जानते नहीं हैं इन सियासतदानों को? ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कह रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ तो हमें इससे क्या लेना देना? याद नहीं फजल बख्श ने कहा था कि हमें इस मामले को बहुत खुशअसलूबी से हल करना है, कहा था ना उसने। यकीन नहीं आ रहा, आप उसको जानते हुए भी ये जानते हुए भी कि वो कितना मक्कार आदमी है, आप मुझे ये सब करने को कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो शख्स कितना मक्कार है। शिप्रा, हमारी खुशकिस्मती थी कि फजल बख्श और उसके मुर्शिद सही ने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होता। अरे तुम हवालात में होती, मैं कब्र में बाबा, होता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही सच है, यही सच है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी जुदाई में क्या हालत थी मेरी। रोया हूं मैं बच्चों की तरह, खुद को बेबस पाकर अपनी जान के लिए, मेरी जान जो तुम में, अगर तुम्हें। ठीक है, चली जाऊंगी उससे मिलने। बस मुझे आप एक बात बता दें, क्या मैंने जो कुछ किया आपको लगता है मैंने गलत किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज और जो तरीका तुमने अपनाया वो सही नहीं था।